हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना जो कनेक्ट मतलब सी के एग्ज़ाम दिए थे, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पर्सनली भी देखा कि कनेक्ट मतलब कि उनकी किसी कारणवश इस बार स्कॉलरशिप नहीं हो सका, डोनेशन में हुआ, और किसी सारे स्टूडेंट्स को ये भी देखा कि उनका डोनेशन में भी नहीं हो पाया। तो मैंने सबसे पहले ये बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसमें आपको कनेक्ट मतलब खुद को गलतियाँ नहीं कीजिए, मेरे एक गोतना बंद कीजिए कहने के मतलब कि मैंने पढ़ा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया, तो मेरा जो नाम नहीं आ पाया और फिर से मुझे 1 ईयर ड्रॉप करना पड़ा। मैं ये सब बातें बकवास की बातें हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें आप एक मेजर चीज़ कर सकते हैं जो कि आने वाले दिन में फिर से ये रिग्रेट आपको होने से बचाएगा और आपको रिग्रेट नहीं होने पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप इसके इससे सीख सकते हैं जो सी है, और आगे कैसे कैसे आप करेंगे, क्या क्या इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अच्छा होगा और आने वाले दिन में आप खुद को एक अच्छा मुकाम पर पुगा सकते हैं, या स्कॉलरशिप हो या डोनेशन में भी आपको एक अच्छा बेस्ट कॉलेज मिल सके, ना कि कोई थर्ड क्लास कॉलेज या थर्ड क्लास मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं आपसे कि देखिए, अगर आप पहले खुद से, आपसे ज़्यादा कौन जान सकते हैं आपको, आपसे ज़्यादा कौन जान सकते हैं, आपसे बेहतरीन आपको कौन समझ सकता है, आपकी कमियां आपसे बेहतरीन कौन जान सकता है, किसे मालूम है आपकी कमियां आपसे ज़्यादा। तो सो मैं यही कहूँगा कि आप अपने कमियां को देखिए कि क्या क्या कमियां आपने कह दी, कि जो भी आप क्या आप अपने इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस किया, वो इंस्टीट्यूट की गाइडेंस फ्लो ना की, कि क्या आप कहने का मतलब कि खुद से पढ़ाई पर जितना टाइमिंग देना चाहिए, जो रिवीजन करना चाहिए वहाँ पर आप करना चूक गए, ये देखना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम 5 पॉइंट इस तरह से लिखिए कि आपका कमियाँ करने के लिए क्या क्या ड्रॉबैक आपकी प्रिपरेशन में रह गई, क्या क्या आप मिस्टेक कर चुके हैं या कर रहे थे। उसी तरह से आप ये भी देखिए कि दोस्तों आप क्या क्या जैसे प्रिपरेशन में किया था, जो पिछले साल कहने मतलब या फ्रेशर है तो आपको फ्रेशर जिस तरह से इस तरह से लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, या कहने मतलब कि ज़्यादा कुछ आ रहा है, तो उसमें क्या क्या कमियाँ किया, जो आपको कहने मतलब कि जो कमियाँ तो नोट डाउन कर ही लिए, आप क्या क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है उसे भी नोट डाउन करना ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ, इस पॉइंट को तो निगलेक्ट नहीं करना है, इस पॉइंट को हटाना नहीं, इस पॉइंट को अगली बार के प्रिपरेशन में भी हमें साथ लेकर चलना है, ताकि और जो हमारा प्रिपरेशन है स्ट्रांग हो जाए, इन्हेंस हो जाए, ताकि आने वाले दिन में हम किसी को कॉम्पिटिट कर सके। दोस्तों ये कॉम्पिटिशन वाला एग्ज़ाम क्या होता है, इसके बारे में एक मैं छोटा सा बात करना चाहूँगा। कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में ये नहीं होता है कि आपको पास होना है, ये भी नहीं होता है कि आपको सिलेक्शन कराना है, यहाँ पर ये होता है किसी को हराना है, क्योंकि आप किसी को नहीं हरा पाएंगे तो दूसरा कोई आपको हरा के आगे चल जाएगा। इसमें यही है दोस्तों, एक दो बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं भीड़ में, और जौन जिसको कुचल कर और आगे निकल जाएगा उसी का कहने का मतलब वाही वाही होगा, और उसे भी उसी को दुनिया समझता है कि हाँ वो सक्सेसफुल इंसान है। तो सो आपको यहाँ पर कनेक्ट मतलब कीजिए अपना सिलेक्शन या अपना ये नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि मैं किसी वार में जा रहा हूँ, किसी रेस में जा रहा हूँ, मुझे किसी को हरा कर आना है, तो उसी अनुसार से आप अपना प्रिपरेशन करना है, रात दिन दिल जान लगाकर मेहनत करना है, और उसी अनुसार से अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, ताकि आने वाले दिन में आप अपना सक्सेस अचीव कर सकें। ये सोचेंगे कि मुझे पास होना है तो ये क्लास 12 नहीं है, क्लास 11 भी नहीं है, ना कि कोई बैचलर क्लास का चल रहा है, यहाँ पर आपको किसी को ना हराना पड़ेगा, अपना सीट बचाने के लिए किसी को गिराना पड़ेगा आपको, तभी जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो सो आपसे सबसे पहले बात करेंगे कि आप कैसे चल सकते हैं। तो आपको पहला, जैसे कि मेरे ख्याल से आप अपना टाइमिंग, जैसे किसी की बेसिस पर नहीं कि कोई क्या किया तो आपको सक्सेस हो गया, उनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, अगर वो बातें उनमें फिट हो जाए, कोई भी मैं बात बोल रहा हूँ तो आपको ब्लाइंडली फ्लो नहीं करना है, या कोई भी दुनिया का आदमी कितना भी सक्सेस है, कितना भी फेलियर है, आपको कोई बात बोल रहा है तो उनका कहने का मतलब कि बातें अपने में डायरेक्टली फिट नहीं कर लेना है, ब्लाइंडली फिट नहीं कर लेना है, आपको ये सोचना है कि हाँ ये जो बंदा बोल रही है बातें बोल रहा है या बंदी बोल रही है तो ये ठीक है कि नहीं, तो अगर ठीक है तो वो आपको लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए और अपने ऊपर वो उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट तो अच्छा था और फ्लो कर रहा हूँ। लेकिन अगर उनकी बातें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, भला कि वो कितना भी बड़ा टपड़ क्यों ना हो,
कितना भी बड़ा पोस्ट पर क्यों ना हो, अगर उसकी बातें आपको अच्छा नहीं लग रही है, आप में सूट नहीं कर रही है, अच्छा ना लगने से भी ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप में वो परफेक्टली फिट हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसके वो बात को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, वो बात को हटा सकते हैं या साइड में कुछ दिन के लिए पेंडिंग में रख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कभी भी उस पर मतलब कि लगेगा कि हाँ ये बात अच्छा था, तो उसे आप इम्प्लीमेंट कर कर आगे बढ़ सकते हैं। तो सो आपका स्ट्रैटेजी अपने अनुसार बनाइए इस बार और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपना स्ट्रैटेजी अपने अनुसार रहेगा तो मज़ा काम करने का कुछ और रहेगा, और दूसरे के अनुसार रहेगा तो मज़ा उसके अनुसार हो जाएगा। तो सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले टाइमिंग फिक्स कीजिए कि मुझे कितना घंटा पढ़ने पढ़ सकता हूँ और कितना घंटा पढ़ूँगा तो मैं किसी को हरा सकता हूँ, ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं किसी को हरा सकता हूँ। दूसरे पॉइंट में आपको सेलेक्ट करना है कि मैं क्या क्या रिवीजन करना चुकता हूँ कि प्रैक्टिस करना चुकता हूँ, जैसे कि न्यूमेरिकल वीक है, कौन सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है। तो देखिए वीक पर तो टाइम देना ही है, लेकिन जो स्ट्रांग पॉइंट है उसे आपको छोड़ना नहीं है, उसे वीक नहीं बना लेना है वीक को स्ट्रांग करने के चक्कर में। तो स्ट्रांग वाले को हमेशा ज़्यादा प्रिफ्रेंस देने की बजाय उसे भी इक्वली प्रिफ्रेंस देकर वीक है जिसे भी आप अच्छा बनाते चलिए आगे। और दूसरा पॉइंट कहें तो दूसरा होगा कि तीसरा हुआ मालूम नहीं भूल के, और दूसरा तीसरा चलिए तीसरा ही होगा। तीसरा पॉइंट में आपको कहना है कि जैसे भी आपका जो भी टॉपिक वीक है उस पर आप अपने मेंटरशिप से ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपको ऑनलाइन गाइडेंस कहीं से मिल जाए या कोई टॉपिक आपको ऑनलाइन मिल जाए तो वो टॉपिक भी आप ले सकते हैं वहाँ से, ऑनलाइन कलेक्ट कर कर इन्फॉर्मेशन वहाँ से इसे भी स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर या कोई दोस्त वगैरह आपकी वो टॉपिक में स्ट्रांग है या कहीं पर भी आपको बेस्ट है जो कोई टीचर आपको कंसल्ट में है जो आपको वो टॉपिक में थोड़ा बहुत हेल्प करके स्ट्रांग इन्हेंस कर दे तो वो भी से जा सकते हैं। अगर कुछ भी ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है आपको तो आप कोशिश कीजिए कि बुक को दो बार से तीन बार वही चैप्टर को पढ़ने के लिए और समझने के लिए धीरे 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 आपको समझ आ जाएगा और इस तरह से अपना बिल्डअप कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने तो बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, आप इंट्रांस एग्जाम टिप्स प्लेलिस्ट भी एक बार देख सकते हैं जहाँ से आपको क्या क्या होगा। दोस्तों ये क्या एक और रिमाइंडर दे दूँ, हमारा क्यों सिलेक्शन नहीं होता है, किसी का और का क्यों सिलेक्शन हो जाता है, यहाँ पर एक सोचने वाला बात है। और यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए क्योंकि ये जो MCQ क्वेश्चन है वो कहने का मतलब इस तरह के नहीं है कि हमें आंसर निकालना आना चाहिए, इस तरह का है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें आंसर कुछ जो नहीं आंसर राइट आंसर नहीं है ऑप्शन को छांटना आना चाहिए सबसे बात। जैसे कि 4 ऑप्शन है तो इसमें से हमें ये नहीं कि जो कौन सा राइट है इसमें से ये सिलेक्शन करने की बजाय हमें इसमें से कौन कौन सा रंग है इसे छांटना आना चाहिए, उसके बाद राइट तो खुद ही पता चल जाएगा। और हर क्वेश्चन में आप अगर पढ़ें अच्छे से तो आपको देखिएगा कि कनेक्ट मतलब कि 4 ऑप्शन में से 2 तो ऑप्शन इस तरह का रहता है कि उसे आप देखते ही बोलेंगे कि ये 2 तो राइट ही नहीं है, 2 का कोई काम ही नहीं है, 2 को छांट दो। और 2 ऑप्शन इस तरह का बचता है जिसमें आपको दिमाग लगाना होता है और बहुत कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन में तो लिखा होता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ना कि बेस्ट राइट आंसर बोला होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट या बेस्ट च्वाइस बोला होता है। तो आप इसमें से 2 से अब बेस्ट कौन है यही पता लगाने में तो आधी समय निकल जाता है और यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग दिखने को मिलेगा और इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसी में से एक कोई किसी को छांटिए कि हाँ ये नहीं बेस्ट नहीं है, इसे गुड है या बेटर है, इसे छांट कर बेस्ट वाले को टिक लगाइए और आपका इसी तरह से सिलेक्शन होगा। तो सो सबसे पहले इसी तरह से अपना फॉर्मेट बनाइए और अपने अनुसार स्ट्रैटेजी बनाइए, आपका सक्सेस पक्का है आने वाले दिन में।